أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام ایٹ کراس روڈ کے ساتھ میں سردار اشرف آپ کے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. سورہ الانعام کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 31 اور 32 فرمایا خسارے میں پڑ گئے، نقصان کا شکار ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس، کاش ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہو گئی، کیسی غلطی ہو گئی. افسوس کہ ہم سے اس معاملے میں، اس یقین اور ایمان کے معاملے میں بڑی خطا ہو گئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو محض چند روزہ دکھاوے کی، کھیل اور تماشے کی زندگی ہے. حقیقت میں آخرت کی زندگی، آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، کامیابی اور کامرانی ہے جو نقصان سے، خسارے سے، بربادی سے بچنا چاہتے ہیں. کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلوا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر بھروسہ نہ کریں. یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور انسان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، جو اس کی بہترین مخلوق ہے، خسارے سے بچنے، نقصان سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر خالص ایمان لے کر آؤ، شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آخرت پر یقین کرو، اور عمل سے اپنی زندگی کو سنوارو اور بہتر کرو، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں.
और ख़बरदार कर रहा है कि किसी गलत फहमी में न रहना कि ये समझो कि आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे ये दाव पेच जो दुनिया में अय्यारियाँ और चालाकियाँ हैं वो चल जाएंगी। कद नअलमु इन्नहु ला यज़ुहनुका قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على माँ कुज़बू व ऊज़ू हत्ता आताहुम नसरुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाही वलकद जाअका मिन नबइल मुरसलीन। ऐ नबी, हमें मालूम है, हम जानते हैं, हम तुम्हारे और सारी कायनात के रब और खालिक और मालिक हैं। कोई बात हमसे छुपी हुई नहीं है और ये जो लोग बातें बनाते हैं जिनसे तुम्हें बहुत रंज और तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि तुम इनको अल्लाह की तरफ, भलाई की तरफ, सच्चाई की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम पहुंचा रहे हो और ये लोग तुम्हें जुटलाते हैं, बल्कि ये ज़ालिम हैं, दरअसल अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल जुटलाए जा चुके हैं, मगर इस जुटलाए जाने पर और उन अज़ियतों पर जो उन रसूलों को पहुंचाई गईं, उन्होंने सब्र किया यहाँ तक के उन्हें हमारी मदद आन पहुंची। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में भी नहीं है। वो पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंचाई जा चुकी हैं। इसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने रसूल को मुखातिब करते हुए कहता है कि ये लोग जो हमारी आयात के ऊपर तवज्जो नहीं देते और तुम्हें जुटला रहे हैं, तो असल में ये तुम्हें नहीं जुटला रहे, ये अल्लाह की आयात को जुटला रहे हैं। और अल्लाह इस बात को अच्छी तरह से जानता है और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही हुआ है। व इन काना कबूरा अलई का इराद हम फ़ निस्ताता अन तब तगिया नफ़कन फिल अर्ज़े औ सुल्लमन फिस समाई फ़ताती हम बे आयातिन वलौ शा अल्लाहु लजमाहुम अलल हुदा फ़ला तकूनन मिनल जाहिलीन। तहाँ मगर तुम लोगों की बेरुखी और नासमझी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, और अगर तुम में कोई ज़ोर है तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमानों में सीढ़ी लगाओ और इनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना वल्मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैही यर्जिऊन। अल्लाह के दीन की ये दावत वही लोग कबूल करेंगे, इस पर लब्बैक वही कहेंगे जो सुनने वाले हैं, रहे वो लोग जो मुर्दे हैं, जिनके ज़मीर मर चुके हैं, जिनको आखिरत की परवाह नहीं है, उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों से उठाएगा, फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे।
ये मुर्दे उन लोगों को कहा गया है कि जिस तरह मुर्दे कब्रों में नहीं सुनते हैं, इसी तरह से वो लोग जिनके सामने अल्लाह की दीन की दावत रखी जा रही है वो उसकी परवाह नहीं करते, तो उनकी मिसाल उन मुर्दों जैसी है। और उसको होश उस दिन आएगा जब वो अपने सामने जहन्नम की आग देखेंगे। और ऐ नबी, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है और निशानियां और जो मौजज़ात हैं वो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसको चाहता है देता है। आपके पास ना इख्तियार है और ना ही इसकी ताकत है कि आप खुद बर्पा कर सकें। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व ताला अपने पैगंबर को भी इस बात के लिए तनबीह कर रहा है कि वो सब्र करें, इस्तकामत से काम लें, यहाँ तक कि अल्लाह की हिमायत और अल्लाह की नुसरत उनको मिल जाए और वो कुफार पर गालिब आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और सारी दुनिया को अल्लाह की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अकूलु कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वसाइरिल मोमिनीन।